जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का रूमर स्मार्टफोन्स के एक नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको उन सारे स्मार्टफोन्स के एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देता हूं जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। गूगल पिक्सल 7 और गूगल पिक्सल 7 प्रो को लेकर बहुत सारे एक्सक्लूसिव अपडेट्स आए हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशन, प्राइजेस, इंडियन प्राइजेस, रेंडर्स, सब कुछ बाहर आ चुके हैं, सब आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं गूगल पिक्सल 7 से। यहाँ पर आपको 6.3 इंच का एक फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट, 10 बिट के कलर्स भी मिलेंगे डॉल्बी विजन के साथ, फ्लैट डिस्प्ले होगा छोटे से पंच होल के साथ, चिन थोड़ा सा रहेगा, बेजललेस डिस्प्ले रहेगा, और यहाँ पर आपको DCI-P3 कलर गैमेट भी मिल जाएगा, DC डिमिंग का भी सपोर्ट होगा। बस यार, डिस्प्ले को लेकर इतने स्पेसिफिकेशंस बाहर आए हैं, यकीनन यहाँ पर बहुत अच्छे पीक और टिपिकल ब्राइटनेस लेवल्स भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो डिस्प्ले स्पेक्स काफी कुछ हद तक सिमिलर है गूगल पिक्सल 6 से, ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले स्पेक्स काफी अच्छे हैं। कैमरास की बात कर लें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। जो प्राइमरी कैमरा होगा OIS के सपोर्ट के साथ आएगा, 11 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा। और कैमरास कितने अमेजिंग और स्पेक्टेकुलर होंगे ये बात तो आप जानते ही हो, इसका वैल्यू कितना ज्यादा है। कैमरास इतने बवाल होते हैं पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन्स के कि एप्पल भी थोड़ा सा भाई संभाल के चलता है। आईफोन 14 सीरीज के आईफोन्स को बहुत ही कड़ी टक्कर देगा गूगल पिक्सल 7। कैमरास भाई गूगल की शान है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको गूगल का नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, गूगल टेंसर G2। ये 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा। यहाँ पर आपको माली G710 MC10 का GPU देखने को मिल जाएगा। GPU बहुत ज्यादा बवाल है क्योंकि डेमेंसिटी 9000 प्लस, और डेमेंसिटी 9000 में यही वाला आपको GPU देखने को मिल रहा है, तो गेमिंग करते वक्त आपका एक्सपीरियंस एकदम पाड़ू रहेगा। गेमर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट फोन होगा क्योंकि GPU बहुत ही अच्छा वाला मिलता है। और अगर तुम लोगों को नहीं बताया तो डेमेंसिटी 9000 और डेमेंसिटी 9000 प्लस गेमिंग करवाने के मामले में 8 प्लस जेन 1 से भी आगे हैं। हाँ, MediaTek के वो फ्लैगशिप प्रोसेसर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और ये जो प्रोसेसर है इसको Samsung बना रहा है। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 3.1 का शोर सपोर्ट, LPDDR5 RAM टाइप, 4700 mAh बैटरी मिलेगा, 4700 mAh, और 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं रहेगा, वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। जहां तक मुझे पता चला है 23 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, बढ़ाएगा तो 25 वॉट तक कर सकता है। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, 5 साल तक आपको एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे, सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे, टाइटन M2 चिप भी देखने को मिल जाएगा। अगर इसका भी सक्सेसर निकलता है तो इससे अच्छा आपको टाइटन सिक्योरिटी चिप देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अमेजिंग बात है, फोन एकदम सिक्योर रहेगा। और यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी देखने को मिल जाएगा, NFC भी रहेगा, Wi-Fi 6E भी रहेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी रहेगा। तो यही मेन स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, टेंशन मत लो, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स रहेंगे, डॉल्बी एटमोस सर्टिफाइड रहेगा, साउंड क्वालिटी बवाल रहेगा, और ट्रिपल माइक भी देखने को मिल जाएगा, VC लिक्विड कूलिंग ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बड़े वाले भाई के बारे में, यानी कि गूगल पिक्सल 7 प्रो के बारे में। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक क्वाड एचडी प्लस LTPO ओलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। अब कौन सा ओलेड टाइप होगा ये पता ही नहीं है, LTPO ओलेड टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, E4 होगा कि E5 होगा कि E6 होगा ये सब बताया नहीं, और देख लेना जब फोन लॉन्च भी हो जाएगा ना तब भी गूगल नहीं बताएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा, HDR 10 प्लस के सपोर्ट के साथ, 10 बिट के कलर्स भी रहेंगे, कोर रिंग, गोरिल्ला ग्लास, विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन दोनों ही स्मार्टफोन में रहेगा, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे पीक और टीपीएल लेवल के ब्राइटनेस लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, DC डिमिंग का भी सपोर्ट होगा, डॉल्बी विजन का भी होगा, रीडिंग मोड भी देखने को मिल जाएगा, कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा, बड़े से पंच होल के साथ, नीचे बड़ा सा चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। फ्लैक्सी स्मार्टफोन के नजरिए से कह रहा हूँ भाई, बड़ा सा चिन्ह और बड़ा सा पंच होल। तो भाई डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन स्पेक्स तो काफी तगड़े दे रहा है, लेकिन जिस प्राइस पे लॉन्च होगा आपका होश उड़ा देगा, लिटरली आप बोलोगे भाई बहुत ज्यादा प्राइस है। कैमरास की बात कर ले तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। जो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वहां पर आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 11 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी मिल जाएगा, और कैमरास कितने अमेजिंग होंगे, इनका क्या वैल्यू होगा, क्या दबदबा होगा आपको तो अच्छे से पता है। जैसे KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 में रॉकी भाई को देख के आपको जो फीलिंग महसूस होता है ना, तो वैसे इन कैमरास को भी देख के अपने अंदर वैसा फीलिंग जगा लो। अब जो बंदे जॉन विक ट्रिलॉजी देखे हैं उनको भी ये फीलिंग आ रहा होगा, जॉन विक को जब भी देखते हो जो फीलिंग आता है ना भाई, कि सब पूछते हैं भाई कौन है जॉन विक, तो वैसे ये कैमरास होंगे, ये iPhone 14 Pro Max को बहुत ही कड़ी टक्कर देंगे।
इवन Samsung Galaxy S23 Ultra को भी। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको Google का Tensor G2 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो अगेन 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिक ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा। माली G710 MC10 का GPU देखने को मिल जाएगा। इस प्रोसेसर के बारे में और भी जानना चाहते हो तो Google Pixel 7 का परफॉर्मेंस वाला टाइम स्टैम्प जाके देखो, वहां पर अच्छे से बताया हूँ। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको वही मेन स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे जो Google Pixel 7 दे देगा, बस बैटरी वाले सेक्शन में चेंजेस कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी दे दिया जाएगा और रिवर्स चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग स्पीड को और भी इंक्रीज कर देगा अगर Google का मूड हुआ तो, लेकिन 30 वाट के फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करेगा। दोनों स्मार्टफोन्स रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। अब चलो यारों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। डिजाइन वाइज दोनों स्मार्टफोन्स देखने में बहुत ही प्रीमियम लगेंगे, खास के काफी क्लासिक लुक देने का कोशिश किया गूगल का जो स्टाइल होता है ना स्मार्टफोन्स को डिजाइन करने का, वो बहुत ही क्लासिक भी होता है और बहुत ही प्रीमियम भी होता है। और साथ ही में जो कलर्स का इस्तेमाल करता है वो आंखों को बहुत ही ठंडक पहुंचाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो डिफरेंट है। तो दोनों फोन्स देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं और जो कैमरा हाउसिंग का स्टाइल है वो तो यूनिक है, कोई भी देखेगा तो बोलेगा भाई गूगल का पिक्सल फोन लेके घूम रहा है। देखने में स्मार्टफोन्स बहुत ही अच्छे लगेंगे। आगे से देखोगे तो गूगल पिक्सल 7 प्रो कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा, बेजललेस डिस्प्ले होगा, नीचे थोड़ा सा चिन होगा और थोड़ा सा बड़ा पंचोल होगा। अगर आप गूगल पिक्सल 7 को देखोगे तो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा, बेजललेस होगा, थोड़े बहुत आपको चिन देखने को मिल जाएंगे। बिल्ड वाइज बात कर ले तो दोनों स्मार्टफोन्स ग्लास बॉडी के साथ आएंगे, एल्युमिनियम फ्रेम दे देंगे, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा और IP68 का रेटिंग दोनों ही स्मार्टफोन्स में होगा। तो डिजाइन और बिल्ड वाइज ये स्मार्टफोन प्रीमियम, क्लासिक और फ्यूचरिस्टिक लुक आपको दे देंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स 6 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। अगर प्राइसिंग की बात कर लें तो Google Pixel 7 का ऑफिशियल प्राइस बाहर आ गया है, ये Amazon US के ऐप में लिस्ट हो गया था, देख लो इसका वही प्राइस है $599। ये वही प्राइस है जो Google Pixel 6 का है, Google Pixel 6 भी यही प्राइस पे लॉन्च हुआ था अमेरिकन मार्केट्स में, अगर कन्वर्ट करूं तो 49,000 रुपीस। तो अगर हम लोग अंदाजा मारे तो Google Pixel 7 Pro का भी वही प्राइस होगा जो Google Pixel 6 Pro का था जब वो अमेरिकन मार्केट्स में लॉन्च हुआ था। अमेरिकन मार्केट्स में Google Pixel 6 Pro का प्राइस जो है $899 है, अगर कन्वर्ट करूं तो 72,000 या फिर 73,000 रुपीस, एग्जैक्टली आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा देख लेना, 73,200 समथिंग होगा। तो आपको अमेरिकन प्राइसेस तो मैं बता दिया, चलो अब इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। देखो यारो 6 अक्टूबर को ये दोनों स्मार्टफोन्स ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो रहे हैं, तो रूमर्स ऐसे हैं कि इसी 6 अक्टूबर के दिन गूगल इन दोनों स्मार्टफोन्स को इंडिया में भी लॉन्च कर देगा। रूमर्स हैं लेकिन चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि गूगल फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिया ना, इसी वजह से लोग स्पेकुलेट करने लग रहे हैं, अंदाजा मारने लग रहे हैं कि 6 तारीख को ही लॉन्च कर देगा, फिर कुछ दिनों के बाद इनके प्राइसेस बता देगा, इंडियन प्राइसेस, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज दिवाली के आसपास तक एक और लॉन्च इवेंट रखेगा जो स्पेशली हमारे इंडिया के लिए रहेगा, इन दोनों फोन्स को इंडिया में लॉन्च कर देगा, इनके प्राइसेस बता देगा और सेल डेट बता देगा, ऐसा हो सकता है। मतलब कि लॉन्च हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुके हैं तो बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि भैया इन दोनों स्मार्टफोन्स का प्राइस क्या होगा इंडिया में। तो मुझे यहां तक पता चला है Google Pixel 7 का प्राइस शुरू होगा इंडिया में 60,000 रुपीज से, 60,000 रुपए से, और Google Pixel 7 Pro का 19,000 रुपीज से, यानी कि 90,000 रुपए से। देखो यारो ये जो प्राइसेस है और भी ज्यादा हो सकते हैं, ये तो मुझे पता चला है और जो सोर्स बताया उसका बात हमेशा सच होते हुए आया है, तो ये सच होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब देखो भाई Google का प्राइस रखने का स्टाइल बहुत ही अजीबोगरीब है। Google Pixel 6 A को देख लो कितने हाईफाई प्राइस पे लॉन्च हुआ था, हाँ वो सेल में ना अभी मिल रहा है 30,000 रुपए के आसपास। अब रहा सवाल की वेट करे कि नहीं करे, डेफिनेटली करो, दोनों स्मार्टफोन्स बहुत ही बेस्ट है, काफी प्रीमियम स्पेक्स प्रीमियम कैमरास के साथ आ रहे हैं, तो रुक जाओ भाई इनके लिए। iPhone 14 सीरीज को बहुत कड़ी टक्कर देंगे, तो सोच के देखो ये बहुत ही अच्छे कैमरास वाले फोन होंगे, इवन गूगल के फोन है यार, तो इनके लिए रुको अगर आपको महंगा फोन चाहिए था तो, खास के गूगल पिक्सल 7 के लिए तो रुक ही जाओ। अगर आपका ये इच्छा है, अगर आपको जानना है कि अक्टूबर के मंथ में कौन कौन से फोन लॉन्च हो रहे हैं, तो मैं वीडियो बनाया हूं ना, कल बनाया था मैं, जहां पर बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स के बारे में बताया हूं जो अगले महीने लॉन्च हो रहे हैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। चलो यारो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझसे अगर बात करना चाहते हो मैं आपको Instagram Twitter पे मिल जाऊंगा @realsufyanKhan। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।